मध्य प्रदेश की आज की ताजा खबर। तो स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताजा खबर के विषय में, जो निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के विषय में और भी कई बड़ी खबरें उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि भाजपा के बड़े दिग्गज नेता हुए कांग्रेस में शामिल, कौन कौन सी खबरें हैं और क्या पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। अलग अलग घोषित होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, जुलाई में होगा परीक्षा परिणाम। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट काल के चलते मध्य प्रदेश में स्कूल के विद्यार्थियों को जहां परीक्षाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है, अब छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही आगे तस्वीर साफ होगी। 10वीं के छात्र अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे और पसंद का विषय चुनेंगे। वही 12वीं पास कर विद्यार्थी कॉलेज जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जुलाई में घोषित किए जाएंगे। कक्षा 10वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह में घोषित होगा। वही 12वीं का कक्षा का रिजल्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में घोषित किया जाएगा। एमपी बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 25 जून को और 12वीं का जून के आखिरी तक रिजल्ट घोषित करने की तैयारी की थी, लेकिन अब 10वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले हफ्ते में ही जारी किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड विद्यार्थी परीक्षाओं को 16 जून को समाप्त हो चुकी हैं और 10वीं के छात्र छात्राओं को जहां शेष बची परीक्षाओं को जनरल प्रमोशन दे दिया गया था, वहीं 12वीं के छात्र छात्राओं की शेष बची परीक्षा 9 से 16 जून के बीच आयोजित कराई जाएगी। 10वीं और 12वीं की जो छात्र छात्राओं की परीक्षाएं अब खत्म हो गई हैं, ऐसे में छात्र छात्राओं को परिणाम की चिंता सता रही है। पहली बार अलग अलग घोषित होगा परिणाम। दोस्तों ऐसा पहली बार है जब कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अलग अलग घोषित किया जाएगा। इससे पहले 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ एक ही दिन घोषित किए जाते थे। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते घरों से ही मूल्यांकन कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी ने बताया है कि प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी हैं। 10वीं के परिणाम जुलाई के प्रथम सप्ताह में और 12वीं के परिणाम जुलाई के तृतीय सप्ताह में आने की संभावना है। एक सवाल पूछ रहे हैं छात्र, कब आएगा रिजल्ट? तो देर से हुई परीक्षाओं और फिर अब रिजल्ट के लिए बढ़ते इंतजार के कारण मंडल के हेल्पलाइन में कॉल की संख्या 4 गुनी हो गई है। अभी तक रोज करीब 2000 कॉल आ रहे थे। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी एक ही सवाल कर रहे हैं कि रिजल्ट किस तारीख को जारी होगा। वहीं कई विद्यार्थियों ने पूछा है कि कुछ पेपर अच्छे नहीं गए हैं और फेल होने की आशंका है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। भाजपा को लगा बड़ा झटका, अब इस दिग्गज नेत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं के दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की नेत्री दिग्गज नेत्री और भिंड जिले की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। संजू जाटव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के और स्वामी वैराग्य नंद गिरी महाराज और मिर्ची बाबा के साथ कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। भिंड जिले से आने वाले भाजपा की गद्दावर नेता संजू जाटव ने आज पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस सदस्यता कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता स्वामी वैराग्यनंद गिरी महाराज और मिर्ची बाबा भी उपस्थित थे। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजू जाटव ने कहा कि वे भाजपा में उनकी उपेक्षा की गई और किसी भी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रण नहीं किया जाता था, इसीलिए वे कांग्रेस में आई हैं। वह कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। शिवराज कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, कार्यवाहक राज्यपाल दिला सकते हैं शपथ। दोस्तों राज्यसभा चुनाव के खत्म होते ही शिवराज कैबिनेट विस्तार की अटकलें फिर जोरों पर हैं। खबर मिली है कि उपचुनाव और विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए इसी महीने के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वहीं राज्यपाल लालजी टंडन के आश्वस्त होने का पर कार्यवाहक राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाए सकते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। शिवराज का कहना है कि प्रथम में प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द कर लिया जाएगा। इसके लिए हमारी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होनी है, उनका निर्देश मिलते ही मंत्रियों को शपथ दिला दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार सुबह यह बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से चर्चा के बाद दिया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। बैठक में मंत्रिमंडल के नामों को अंतिम रूप देने को लेकर मंत्रालय में लंबी चर्चा हुई। खबर मिल रही है कि आज कल में शिवराज नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली जा सकते हैं और हाईकमान से चर्चा के साथ विस्तार किया जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने मंत्रिमंडल विस्तार करना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अब देखना होगा कि शिवराज इन सबसे कैसे पार पा पाते हैं और किस किस को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। दरअसल शिवराज मंत्रिमंडल में इस समय कैबिनेट के नाम पर प्रदेश में सिर्फ 5 मंत्री हैं, जो औपचारिक रूप से और संवैधानिक प्रक्रियाओं के हिसाब से कैबिनेट नहीं है और बड़े स्तर पर विस्तार होना है। बीते कई दिनों से यह बात निकल आ रही है कि जल्द ही शिवराज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन कभी कोरोना तो कभी राज्यसभा चुनाव तो कभी अपनों की नाराजगी सामने आ जाती है और मंत्रिमंडल अटक जाता है। तारीख पर तारीख देते देते तक अब तक 3 महीने बीतने के बाद विधायकों में भी मंत्री बनने की दौड़ लगी है। देरी के चलते असंतोष अब पनपने लगा है और अंतर्कलह भी सामने आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो चली है और नामों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। खबर है कि शाम को फाइनल नामों की लिस्ट लेकर शिवराज दिल्ली जा सकते हैं और वहां हाईकमान से मुलाकात कर नामों को हरी झंडी दी जा सकती है। वही रूठों को मनाने का भी राज मिलता जा सकता है। सिंधिया समर्थकों का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाएगी सरकार, घर घर होगा सर्वे। दर्शकों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आगामी 1 जुलाई से प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत हर घर का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि कोविड मित्र को स्थानीय स्तर पर 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। ये कंटेनमेंट क्षेत्र और अन्य जगह की 6 माह तक निगरानी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी दी है। मंत्री डॉक्टर मित्र मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश में हम कोरोना के क्षेत्र में लगातार सफल होते चले जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कमिश्नर कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तय किया है कि प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। भोपाल से अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान में सरकार और समाज साथ साथ कार्य करेंगे। किल कोरोना अभियान प्रत्येक परिवार को कवर करेगा। इसके लिए दल गठित किया जा रहा है। कोविड मित्र भी बनाए जाएंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि कुल 10,000 दल कार्य करेंगे। सर्वे दल अनुमानित 10 लाख घरों में रोज जाएंगे। एक दल करीब 100 घरों तक पहुंचेगा। राज्य की 100% आबादी को इस सर्वे से कवर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कोविड-19 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से कहा कि सभी 52 जिलों में 1 जुलाई से कोरोना वायरस नियंत्रण अभियान संचालित किया जाए। इस कार्य में पुलिस महकमे समाज सेवियों की भी मदद ली जाए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि जिलों और संभागों में IG और कमिश्नर की भी कोरोना नियंत्रण पर निगाह रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के करीब 14,000 महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पर सर्वे कार्य की अहम जिम्मेदारी होगी। डोर टू डोर सर्वे में सभी का सहयोग प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के को कोरोना के नियंत्रण में अन्य राज्यों की तुलना में सफलता भी मिली है, लेकिन सजगता का स्तर बना रहे और सभी आवश्यक उपायों को अपनाते रहें, यह बहुत आवश्यक है। प्रदेश में अब तक डोर टू डोर विस्तृत सर्वे के माध्यम से संदिग्ध रोगी की शीघ्र पहचान और उपचार का कार्य अधिक आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट और एक्टिव प्रकरणों की संख्या कम है। मध्य प्रदेश में 76.1% रिकवरी रेट के साथ देश में दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश रहा है। वायरस के इस स्प्रेड को रोकने में कामयाबी मिली है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा की जारी। दर्शकों आपको बता दें कि मानसून के सक्रिय होते ही प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। भोपाल के बाद इंदौर और ग्वालियर चंबल में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मंगलवार और बुधवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के में ज्यादातर शहरों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऊपरी हवाओं का चक्रवात और एक ट्रफ लाइन के गुजरने के अलावा बंगाल खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। इससे ऐसा संभावना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से जोर पकड़ेगा और 25 जून तक इसके पूरे प्रदेश में छा सकता है। पूरे प्रदेश में अब तक हुई बारिश सामान्य से 111% ज्यादा है। दिन का तापमान सोमवार के मुताबिक 5.3 डिग्री लुढ़क कर 29.4 डिग्री पर पहुंच गया। यह सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा। इससे पहले 4 जून को पारा 22.6 डिग्री पर पहुंच गया था। विभाग ने आज गुरुवार के लिए रीवा, सतना, सागर, पन्ना, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, विदिशा और उज्जैन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं रीवा और सागर के संभागों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी आसार हैं। दोस्तों मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 25 जून तक मानसून पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा। इसी के साथ पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश की झड़ी लग जाएगी। इस दौरान तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। विभाग ने बताया कि मानसून की उत्तरी सीमा अहमदाबाद, गुजरात, सारियापुर और फतेहपुर, मुक्तेश्वर और रुद्रप्रयाग से होकर गुजर रही है। ट्रफ लाइन उत्तरी राजस्थान, ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों से होती हुई बंगाल खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक जा रही है। उड़ीसा, दक्षिण गुजरात के पास हवा का चक्रवात घेरा बना हुआ है। क्या कहता है IMD? दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात को छोड़कर अन्य हिस्सों में अच्छी वर्षा की उम्मीद है। मानसून उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2-4 से 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।